Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Hi friends, welcome back to my channel. आज आप लोग देखने वाले इस ब्लॉग पे ऊटी टॉप 10 प्लेस जो 10 जगह आप लोग को दिखाऊंगा। ऊटी पे बहुत सुंदर तो जगह है, पहाड़ नदी वगैरह सब कुछ है, फॉरेस्ट है, सब कुछ आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। फैमिली बच्चे लोग को लेके जाइए, फैमिली लोग को लेके जाइए। और चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो हर वीडियो में बोलता हूँ और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं ऊटी टॉप 10 प्लेस और कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। ऊटी से सबका डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा कहाँ क्या है, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देख के स्किप मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा और क्या क्या है सब भी पता चलेगा। चलिए देखते हैं ऊटी टॉप 10 प्लेस, चलिए आइए। टॉप 10 पे है स्टेफन चार्ज। ऊटी रेलवे स्टेशन से इस चार्ज का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। आप लोग कभी भी जा सकते हैं, बहुत पुराना चार्ज है, 100-200 साल पुराना चार्ज है। यह ब्रिटिश ने ये चार्ज बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं जाके ये चार्ज। और गाड़ी वगैरह रेलवे स्टेशन से आप लोग को मिल जाएगा, तो फैमिली बच्चे लोग को लेके जाइए। टॉप 9 पे है ट्रेड गार्डन। रेलवे स्टेशन से ट्रेड गार्डन का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, 10-12 मिनट लगता है जाने के लिए, और शेयर टैक्सी वगैरह सब कुछ रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा। और ये ट्रेड गार्डन पूरा हाथ से सब फूल वगैरह फ्लावर बनाया गया है, आप लोग जा सकते हैं। बहुत लोग जाते हैं इस गार्डन पे घूमने के लिए, तो दोस्तों आप लोग भी जाइए। टॉप 8 पे है दोदा बेटा पीक और इस जगह का डिस्टेंस है 8 से 9 किलोमीटर ऊटी से, और जाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो दोस्तों आप लोग जरूर जाइए। बहुत सुंदर जगह है, पहाड़, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई देता है। वॉच टावर से एक बहुत बड़ा वॉच टावर है, तो आप लोग उस पे चढ़ के वॉच टावर से देख सकते हैं। तो बच्चे लोग को फैमिली लोग को लेके जाइए इस जगह पे, बहुत सुंदर जगह है। टॉप 7 पे है अन्नामलाई टेम्पल। ऊटी रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, 1 घंटा 7 मिनट लगता है जाने के लिए। और ये टेम्पल बहुत ऊंचाई पे है, बहुत लोग इस जगह पे घूमने के लिए जाते हैं हर दिन, तो आप लोग जरूर जाइए। शिव मंदिर वगैरह बहुत कुछ है, बहुत सारा स्टेचू देखने के लिए मिल जाएगा मंदिर वगैरह का, हनुमान मंदिर सब है, तो जरूर जाइए। बच्चे लोग को फैमिली लोग को लेके जाइए इस मंदिर पे, बहुत सुंदर मंदिर है। टॉप 6 पे है कैथरिंग वाटरफॉल्स। ऊटी टाउन से कैथरिंग वाटरफॉल का डिस्टेंस है 38 किलोमीटर और 1 घंटा 10 मिनट लगता है जाने के लिए। रेलवे स्टेशन से आप लोग को गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सुंदर जगह है, बहुत झरना है, बहुत लोग घूमने के लिए बहुत दूर दूर से बाहर से भी आते हैं, बहुत लोग शूटिंग वगैरह भी करने के लिए, तो आप लोग जरूर जाइए, फैमिली लोग को लेके जाइए, बच्चे लोग को लेके जाइए, बहुत सुंदर जगह है। टॉप 5 पे है एमराल्ड लेक। ऊटी रेलवे स्टेशन से एमराल्ड लेक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 40 से 50 मिनट लगते हैं जाने के लिए। शेयर टैक्सी वगैरह रेलवे स्टेशन से आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सुंदर एक नदी, लेक भी बोल सकते हैं, नदी भी बोल सकते हैं, बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं हर साल, तो आप लोग भी जाइए दोस्तों, शूटिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो फैमिली लोग को बच्चे लोग को लेके जाइए एमराल्ड लेक पे। टॉप 4 पे है मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ऊटी रेलवे स्टेशन से इस टाइगर रिजर्व का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, 1 घंटा 40 मिनट लगता है जाने के लिए, तो दोस्तों आप लोग जरूर जाइए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर रिजर्व है ये, यहाँ आप लोग को हाथी वगैरह सब कुछ, हरिन सब कुछ मिल जाएगा और टाइगर भी मिल जाएगा देखने के लिए, और जीप सफारी और एलिफेंट सफारी भी होता है, तो दोस्तों आप लोग जरूर जाइए। टॉप 3 पे है कालाहाटी वाटरफॉल्स। ऊटी रेलवे स्टेशन से कालाहाटी फॉल्स का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और 30 से 35 मिनट लगता है जाने के लिए। गाड़ी शेयर टैक्सी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ मंदिर भी है, बहुत लोग मंदिर में पूजा देने के लिए भी जाते हैं, बहुत लोग आते हैं हर टाइम, तो आप लोग भी आइए। और ये रिक्स भी है बहुत आने के लिए, तो आप लोग देख के आइए और इस मंदिर में जरूर आइए। टॉप 2 पे है ऊटी लेक। रेलवे स्टेशन से ऊटी लेक का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर और जाने में टाइम लगता है 6-7 मिनट, और गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इस लेक पे बहुत बोटिंग भी होता है, आप लोग जाइए, बोटिंग हाउस भी बोलता है इस लेक को, तो बहुत लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए भी आते हैं, बच्चा लोग को, फैमिली लोग को लेके, तो आप लोग भी दोस्तों ऊटी आने से जरूर इस ऊटी लेक पे जरूर आइएगा। टॉप 1 पे है ऊटी टॉय ट्रेन स्टेशन।
और ये हिल पे है, इसीलिए टॉय ट्रेन यहाँ चलता है। और इस ट्रेन स्टेशन से सबका डिस्टेंस दिया हुआ है, जितना प्लेस, जितना टूरिस्ट प्लेस दिखाया गया सबका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप लोग जरूर आइए, ट्रेन से घूमने सकते हैं बहुत जगह, बहुत सुंदर सुंदर टूरिस्ट प्लेस भी देख सकते हैं। बहुत दूर दूर ये टॉय ट्रेन जाता है, तो आप लोग फ्रेंड लोग, बच्चे लोग, फैमिली लोग को लेके जरूर आइए इस टॉय ट्रेन पे। दोस्तों आप लोग ऊटी टॉप 10 प्लेस देखा, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर जगह है ऊटी में, आप लोग आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। डिस्टेंस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो बच्चे लोग को फैमिली लोग को लेके जाइए। और आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, अच्छा से रहिए, सुस्त रहिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।